ओ भाई, एक इवेंट आने वाला है जिसमें 3 सेट बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, एंड उसमें पांडा वाला सेट को भी डाला गया है। एंड इतना ही नहीं, फ्री अवतार, फ्री फ्रेम, फ्री लोबी, एंड क्या कुछ नहीं आने वाला है यार। तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है, स्वागत है आपका टेक टू लेटेस्ट के एक और न्यू वीडियो में। एंड गाइस, आज की इस वाली वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल की 4th एनिवर्सरी के रिवॉर्ड के बारे में। अब मेरे भाई लोग, भर भर के इवेंट आने वाले हैं यार, एंड उसके सारे रिवॉर्ड में आपको इस वाली वीडियो में दिखाने वाला हूं। एंड हां मेरे भाई लोग, ये BGMI में भी आने वाला है। सो अपडेट की रिलीज डेट तो आपको आगे जानने को मिल ही जाएगी, बट यहां पे आप देख सकते हो पबजी मोबाइल का लोगो चेंज होने वाला है। एंड जैसे ही 1.9 अपडेट, अपना एनिवर्सरी अपडेट आएगा, उसके लोगो आप यहां पे आप देख सकते हो पबजी मोबाइल के, मतलब पीछे 4th लिखा आ चुका है। सो कुछ निकल के आ चुके हैं। एंड मेरे भाई लोग, उसके बाद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के भी रिवील हो चुके हैं, यहां पे आप देख सकते हो इस प्रकार के कुछ लोगो रहने वाले हैं। एंड जिनको भी नहीं पता कि पीछे 4 क्यों लिखा हुआ सभी लोगों में, तो मेरे भाई लोग पबजी मोबाइल को 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं मार्च के महीने में, ठीक है। अब मेरे भाई लोग, मार्च के महीने में अपन का 1.9 अपडेट आने वाला है, एंड उसी अपडेट में अपन को एनिवर्सरी देखने को मिल जाएगी। सो मेरे भाई लोग, 1.9 का रिलीज डेट आप यहां पे देख सकते हो 14 मार्च का आ चुका है, एंड ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कुछ चेंजेस हो सकता है, बाकी इसके ही अराउंड आने वाला है। एंड उसके बाद अपन को 21 या फिर 23 मार्च को एनिवर्सरी देखने को मिल जाएगी। एंड यार, उस एनिवर्सरी में बहुत सारी चीजें आने वाली, ये भर भर के रिवॉर्ड आने वाले हैं, क्योंकि यार आप जिस गेम को खेल रहे हैं उसका बर्थडे है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे भाई लोग, पूरा लोडिंग स्क्रीन चेंज होने वाला है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं 3rd एनिवर्सरी का दिखा रहा हूँ, एंड उसके बाद लोबी भी चेंज होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1st एनिवर्सरी का कुछ इस प्रकार का था, एंड उसके बाद 2nd एनिवर्सरी का यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड फाइनली 3rd एनिवर्सरी का इस प्रकार का था। अब यार देखते हैं 4th एनिवर्सरी का कैसा लोबी वो देते हैं, एंड यार सभी को बिल्कुल फ्री में कलेक्ट करने को कहां पर देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद 4th एनिवर्सरी का अवतार एंड फ्रेम बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाला है, जैसा कि 1st एनिवर्सरी पे आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो अवतार एंड उसका कुछ इस प्रकार का फ्रेम था, एंड भाई उसके बाद अपन को 2nd एनिवर्सरी को भी देखने को मिला था, एंड 3rd एनिवर्सरी को भी देखने को मिला था। तो भाई इस प्रकार का 4th एनिवर्सरी को भी देखने को मिल जाएगा, एंड यार वो लॉग इन करने पर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप 2nd एनिवर्सरी का लॉग इन इवेंट देख सकते हो, मतलब 8 दिन तक कुछ कुछ रिवॉर्ड देखने को मिले थे, एंड यहाँ पर ही 4th एनिवर्सरी का फ्रेम प्लस अवतार देखने को मिल जाएगा, एंड बाकी कूपन वगैरह डाल दिए जाएंगे। और भाई ग्राफिटी तो अब से ही शो होने लगी है बीटा में, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 4th एनिवर्सरी की ग्राफिटी। एंड यार इतना ही नहीं, इन गेम के भी अंदर कुछ चेंजेस होते हैं भाई साहब। एनिवर्सरी आ रहा है तो भाई मतलब मेला वगैरह वहां पे लगता है, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस एनिवर्सरी में कुछ ऐसा ही किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार का मेला वगैरह लगने वाला है। एंड यार हर बार की तरह ये वाला मेला हॉट ड्रॉप बनेगा, क्योंकि यार लूट भर भर के वो देते हैं, इसीलिए बंदे तो आने ही है, एंड जंप के फाइटिंग होने वाली है, ठीक है। एंड यार ऐसा ही सेम टू सेम मेला नहीं रहने वाला, कुछ चेंजेस होने वाला है, ठीक है। एंड यार यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, रॉयल पास के गिवे में पार्टिसिपेट नहीं किया मेरे भाई लोग, 1,60,000 सब्सक्राइबर जैसे ही होता है 5 भाइयों को रॉयल पास देने वाला हूँ, ठीक है, 325 यूसी सेंड कर दूंगा। तो यार रॉयल पास के गिवे में पार्टिसिपेट करने के सिंपल से रूल है, इस वाले वीडियो को 1K लाइक तक हिट कराओ, तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो, आपका नाम इजीली आ जाएगा। सो यार अब बात कर लेते हैं फ्री टाइटल, फ्री सेट, फ्री कूपन के बारे में। सो यार समझाने के लिए मैं अचीवमेंट पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन नाम का एक अचीवमेंट है। सो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो 3 रिवॉर्ड दिए हुए हैं, एक कूपन है, एक सेट है, एंड उसके बाद एक फ्री का टाइटल है। अब मेरे भाई लोग, अगर आपने एक भी बार एनिवर्सरी में लॉगिन नहीं किया, यानी कि एनिवर्सरी के दिन 24 घंटे में आप कभी भी लॉगिन करोगे, तो आपका फर्स्ट वाला अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद में आपको एक कूपन देखने को मिल जाएगा। वैसे मेरे भाई लोग, अगर आपने एक भी एनिवर्सरी के दिन लॉगिन नहीं किया होगा तो आपका एक भी काउंट नहीं हुआ होगा, अगर आपने एक किया होगा तो आपका एक काउंट हो चुका होगा, एंड उसके बदले में आपको कूपन मिल चुका होगा, एंड अब आपका दूसरा होने वाला है और आपको बदले में सेट देखने को मिल जाएगा अगर आप लॉगिन करते हो। एंड अगर आपका दूसरा ऑलरेडी हो चुका है तो अब आपको टाइटल मिलने वाला है, क्योंकि यार अब 3 बार एनिवर्सरी में लॉगिन किए हुए हैं, ठीक है। अब ये सेट देख सकते हो, एंड अब मेरे बोलो ये टाइटल भी आप देख सकते हो, भाई काफी सही है, केक के ऊपर ड्रॉप पड़ा है। सो यार आपको कमेंट करके जरूर बता देना है कि आपको इन 3 रिवॉर्ड में से इस एनिवर्सरी को कौन सा रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा। सो यार अब बात कर लेते हैं ब्लैक पिंक कोलैबोरेशन के बारे में, शायद अपन को 1.9 अपडेट में देखने को मिल जाएगा। सो मेरे भाई लोग, रिवॉर्ड्स की भरमार होने वाली है, 2 सेट में आपको दिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे, एंड दूसरे भी रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे भाई लोग, ये वाला इवेंट एक बार आ भी चुका है, यहाँ पे आपको 4 गर्ल्स देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक गर्ल्स पे टैप करते हो, मतलब किसी भी गर्ल्स पे टैप करते हो, उसकी पबजी की आईडी देखने को मिल जाएगी। अब इस वाले इवेंट में किसी भी गर्ल की कैरेक्टर आईडी पे अपन को पॉपुलैरिटी सेंड करने को पड़ेगी, और पॉपुलैरिटी अपन को यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख
देख सकते हो एक हार्ट है एंड उसके बाद एक लाइट स्टिक है। सो मेरे भाई लोग जो भी मतलब ज़्यादा मिशन कंप्लीट करेगा उनको ज़्यादा ये हार्ट एंड लाइट स्टिक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो अपन को कई सारी लाइट स्टिक देखने को मिल रही है, मतलब बहुत सारे डेली मिशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे एंड अचीवमेंट मिशन भी रहेंगे। सो भाई जो भी मतलब बंदा ज़्यादा सेंड करेगा लाइट स्टिक प्लस मतलब पॉपुलरिटी कुल मिलाकर सेंड करेगा इनकी आईडी पे तो उनकी रैंकिंग यहाँ पे शो होने वाली है एंड जो भी पॉपुलरिटी सेंडिंग में टॉप 1 to top 5 तक आएगा उनको ये वाली एल्बम एंड उसके बाद पांडा वाला सेट देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में एंड ये वाला सेट प्लस ये वाला एल्बम उनको मेल बॉक्स में सेंड किया जाएगा। एंड उसके बाद जो भी बंदा top 6 to top 10 तक आता है उनको ये वाला सेट देखने को मिल जाएगा जो आप नीचे देख सकते हो। सो इवेंट में मिलने वाली फ्री की पॉपुलरिटी सेंड करनी है एंड जो भी बंदा ज्यादा मिशन कंप्लीट करेगा उसका नाम सीधी सी बात है कि टॉप पे रहने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे उसका दूसरा भी इवेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें आप नीचे लाइन देख सकते हो उसके नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं। सो ये नंबर तक पहुंचना है उसके ऊपर वाले रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि बीपी कोइन का कुछ स्क्रैप हो गया, ये वाली पॉपुलरिटी हो गई एंड उसके बाद ये कवर हो गया एंड उसके बाद ये वाला शर्ट हो गया एंड उसके साथ आपको एक वाली ये वाली भी पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगी। अब मेरे भाई लोग नीचे दिए गए स्कोर तक पहुंचने के लिए भी आपको कुछ मिशन दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री के, सो उसको आपको कंप्लीट करना है और आपको पहुंचना है एंड ये वाला इजी मिशन है भाई, डेली मिलते हैं एंड इसी के बदले में आपको ऊपर वाले सारे रिवॉर्ड देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल 100% फ्री में। अभी यार ये वाला ब्लैक पिंक कोलेब्रेशन अपन को कहां जा रहा था कि 1.8 अपडेट में देखने को मिलेगा बट वहां तक तो नहीं आया, अब यहां तक लगता है कि 1.9 में ये वाला कोलेब्रेशन डाल देंगे। एंड मेरे भाई लोग अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ बट यहां तक लगता है कि अपन को देखने को मिल जाएगा एंड जैसे ही ये ऑफिशियली कंफर्म होता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। एंड गाइस 1.9 अपडेट में जो भी लोग जिस इवेंट का वेट कर रहे हैं बेसब्री से वो शायद आ सकता है। सो उस आने वाले इवेंट के बारे में इस वाले वीडियो में तो नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है बट जैसे ही कुछ आता है तो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सो यार वेट करो, अगर वो इवेंट आता है तो काफी धांसू रहने वाला है, मैं आपको बता दूंगा। एंड बाकी तो मेरे लोग जाते जाते आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मैंने मंथ 8 रॉयल पास के रिवॉर्ड के बारे में बात की है एंड प्लस अपकमिंग 1.9 के फीचर्स के बारे में बात की है, तो स्क्रीन पे देखिए इस धांसू वीडियो को देखिए। तुम्हारा तुमसे मिलता है यार नेक्स्ट वाली वीडियो में।